हेलो फ्रेंड्स, आज हम रायता बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 400 ग्राम दही लिया है अमूल का। ये हमने एक मीडियम साइज प्याज लिया है, जिसको हमने बारीकी से कट किया है। ये हमने यहाँ 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं, जिनको हमने बारीकी से कट किया है। और ये हमने लिया है खीरा एक मीडियम साइज का, इसको भी हमने बारीकी से काटा है। और यहाँ हमने एक मीडियम साइज का अनार लिया है, तो ये हमने कटोरी यहाँ ली है। ये अब ये दही हम इसमें डाल देंगे। पहले हम इसे थोड़ा शेक करेंगे। दही जो है बहुत गाढ़ा है, इसमें हमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा। गाढ़ा है, इसमें हम करेंगे थोड़ा पानी ऐड। हमने पानी इसी में डाला, इसमें काफ़ी लगी थी, तो अब हम ये थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। हमने इसको अच्छे से शेक कर लिया है। अब हम इसमें अनार डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ये जो प्याज काटे हैं ये डालेंगे। ये हमने प्याज भी इसमें ऐड कर दिए, तो अब हम इसमें ये जो हमने खीरा काटा है ये इसमें ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो और हरी मिर्च ये डाल देंगे। अब हमने इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करना है अपने स्वाद के मुताबिक। थोड़ा हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर का यूज़ करेंगे, ताकि इससे कलर आ जाएगा। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर, बहुत अच्छा कलर आया इसमें। बहुत ही इजी बनाना है और बहुत जल्दी बन जाता है। खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। ये हमारा रायता जो है वो बिल्कुल है रेडी। इसको हम गार्निश करेंगे हरे धनिया के साथ। ये हमने लिया है हरा धनिया। रायता सर्व करने के लिए तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करें।